हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज वन्ना। सो आज मैं आप सबके साथ एक बेसन का नेचुरल फेस वॉश शेयर करने वाली हूँ। सो इससे पहले भी मैंने आप सबके साथ एक बेसन का नेचुरल फेस वॉश शेयर किया था। सो बहुत सारे लोगों ने उसे ट्राई किया और बहुत सारे लोगों को उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप सबके साथ एक नेचुरल फेस वॉश शेयर करूँ जो सभी स्किन टाइप वाले हो और आप इसे मॉर्निंग में या तो नाइट में अपने फेस को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। साथ ही साथ अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर चाहिए हाफ टेबल स्पून जितना बेसन। बेसन हमारी स्किन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपने देखा होगा कि उबटन में भी बेसन का यूज करते हैं क्योंकि बेसन हमारी स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर देता है। आपने देखा होगा कि पहले के जमाने में जब ये साबुन फेस वॉश अवेलेबल नहीं थे तब लोग बेसन से ही अपने फेस को वॉश करते थे और बेसन से ही नहाते थे। तो बेसन हमारी स्किन का टेक्सचर स्मूथ बनाता है, साथ ही साथ हमारे स्किन के जो दाग धब्बे होते हैं उसको भी हल्का करता है। उसके बाद आपको यहाँ पर लेनी है हाफ टेबल स्पून जितनी मुल्तानी मिट्टी यानी फुलरसर। मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन से जो एक्सेस ऑयल होती है उसको सोख लेती है, साथ ही साथ कोई भी दाग धब्बे होते हैं उसको भी हल्का करने में मदद करती है। मुल्तानी मिट्टी अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा सनटेन हो चुका है, सनबर्न हो चुका है, तो उसको रिमूव करने में भी बहुत ही काम आती है। तो आपको यहाँ पर इन दोनों को अच्छे से यहाँ पर सबसे पहले मिक्स कर लेना है और अगर आप चाहो तो बेसन और मुल्तानी मिट्टी को ज़्यादा क्वांटिटी में बनाकर स्टोर कर सकते हो और इसे आप वन मंथ तक स्टोर कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने दोनों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हमें इसमें ऐड करना है 2 टेबल स्पून जितना आलू का जूस यानी पोटैटो जूस। तो अगर आपको नहीं पता कि पोटैटो जूस कैसे बनाना है तो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको छोटा सा आलू लेना है और इसके छिलके निकालकर इसको बहुत ही अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपको इसे कद्दूकस कर लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कद्दूकस कर लिया है और अब आपको स्ट्रेनर की मदद से इसका जूस निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने स्ट्रेनर की मदद से इसका जूस निकाल लिया है। और अगर आप स्ट्रेनर की मदद से इसका जूस नहीं निकालना चाहते हो तो आप हाथों से निचोड़ कर भी इसका जूस निकाल सकते हो। तो अब हमारा यहाँ पर पोटैटो जूस रेडी हो चुका है और इसके बाद आपको इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून जितना रोज वाटर। रोज वाटर ऐड करने के बाद आपको इन सबको यहाँ पर अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ फेस पैक तैयार करना है। ये फेस बहुत ही स्मूथ होनी चाहिए, इसमें कोई भी गांठें नहीं होनी चाहिए क्योंकि इससे हमें हमारा फेस वॉश करना है ताकि हमारी स्किन पर कोई डैमेज भी ना हो, साथ ही साथ हमारी स्किन पर कोई रैश भी ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो नेचुरल फेस वॉश है वो रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे यूज करना है, साथ ही साथ इसके क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले आपको ये फेस वॉश को यूज करने से पहले फेस को अच्छी तरीके से गीला कर लेना है ताकि ये फेस वॉश अच्छे से काम कर सके। जैसे हम कोई नॉर्मल फेस वॉश यूज करते हैं उसी तरह आपको यूज करना है और इसे आप मॉर्निंग या तो नाइट में फेस को वॉश करने के लिए यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने फेस को अच्छे से गीला कर लिया है। अब आपको थोड़ा सा फेस वॉश लेकर फेस पर अच्छे से गोल गोल घुमाकर सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है और मसाज करने से हमारे स्किन पर जो धूल मिट्टी होगी, गंदगी होगी, वो धीरे धीरे निकलने लगेगी। साथ ही साथ बेसन और मुल्तानी मिट्टी हमारे स्किन टेक्सचर को भी इम्प्रूव करती है। तो पूरे दिन हम बाहर घूमते हैं और धूल मिट्टी, पॉल्यूशन, गंदगी के कारण हमारी जो स्किन टोन होती है वो डार्क हो जाती है, साथ ही साथ हमारे पोर्स में बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है और सूरज की UVA और UVB किरणों की वजह से हमारी जो स्किन टोन होती है वो ब्लैक हो जाती है। तो ऐसे में ये फेस वॉश आपकी स्किन टोन को ब्राइट करेगा, साथ ही साथ आपके पोर्स को भी क्लियर करेगा। तो पोटैटो जूस हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, साथ ही साथ अगर आपके फेस पर बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस है तो आपके ब्लेमिशेस को दूर करेगा क्योंकि पोटैटो में नेचुरली स्किन को ब्लीच करने की प्रॉपर्टीज होती है। पोटैटो जूस एंटी एजिंग भी होता है, आपके फेस पर बहुत ज्यादा झुर्रियां आ गई है तो आपकी स्किन को टाइट करने में भी मदद करेगा। तो बेसन आपकी ऑयलीनेस को दूर करता है, साथ ही एंटी पिंपल्स है, तो अगर आपकी स्किन पर बहुत ज्यादा पिंपल या एक्ने की प्रॉब्लम है तो उसको भी ये दूर करेगा। बेसन हमारी स्किन टोन को लाइट करता है, साथ ही साथ अगर आपके फेस पर जो फाइन फेशियल हेयर होते हैं उसको रिमूव करने में भी मदद करेगा क्योंकि यहाँ हम ये फेस वॉश से अपने फेस पर मसाज कर रहे हैं जिससे आपके जो फाइन फेशियल हेयर होंगे वो भी धीरे धीरे निकलने लगेंगे। साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी और बेसन स्किन से टेनिंग रिमूव करने का भी काम करती है और साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी एक्सफोलिएटर की तरह भी काम करती है
जो हमारे स्किन से जो डेड स्किन होती है, डेड सेल्स होती है, उसको भी रिमूव करती है। तो आपको बहुत ही हल्के तरीके से फेस पर मसाज करनी है, बहुत ज़्यादा प्रेशर देकर यहाँ पर आपको मसाज नहीं करनी है, क्योंकि इससे हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। तो यहाँ पर आपको जहाँ पर पिगमेंटेशन है, डार्क पेचिस है, वहाँ पर आपको ज़्यादा इससे मसाज करनी है, क्योंकि इससे आपकी जो पेचिस होगी वो भी धीरे धीरे निकलने लगेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 से 3 मिनट तक मसाज करने के बाद आपको नॉर्मल पानी से फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने फेस को सिर्फ पानी से वॉश कर लिया है, और पहली बार में आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मसाज की है, और मसाज करने से हमारे जो पोर्स होते हैं वो साफ हो जाते हैं, जिससे हमारा जो नेचुरल स्किन टोन होता है वो वापस आ जाता है। साथ ही साथ मुल्तानी मिट्टी और बेसन से हमारी स्किन पर एक ब्राइट टोन आ जाती है, और साथ ही साथ पोटैटो जूस से हमारे स्किन पर जो डार्क पैचेस होते हैं वो भी धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं। तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप इसे डेली भी यूज़ कर सकते हो, और या तो आप इसे वीक में कम से कम 3 बार यूज़ करना पड़ेगा अगर आपको डार्क पैचेस को, पिगमेंटेशन को, या तो स्किन टोन ब्राइट करनी है। और ये ओल्ड स्किन टाइप वालों के लिए सूटेबल है, सिर्फ अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आपको इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड कर लेना है। तो ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो, आई होप कि आप लोगों को ये मेरा नेचुरल फेस वॉश का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।